छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा जिला वन्य जीवों के लिए बहुत ही अनुकूल है। जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनोखे और बेहद जहरीले सांप निकलने की सूचना आए दिन मिलती रहती। इसी कड़ी में DFO बंगले के गेट के पास करेत सांप तो वहीं बुधवारी बाजार बाईपास रोड में एक विशालकाय अजगर सड़क पर करता दिखाई दिया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इसकी सूचना तत्काल रेस्क्यू टीम को दी। सूचना पाकर तत्काल मौके स्थल पर पहुंचकर 10 फीट विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस में ली। परिचय? अशोक कुमार यादव जी, बताएंगे क्या घटना घटी थी? हम लोग सुबह सुबह देखे हैं कि गौहा सांप है, बच्चे हैं बोलते, फिर आप हम जीतन साहब से बुलाए थे, वो आया है, वो रेस्क्यू किया तो देखा है कि करैट सांप है और सकुशल रेस्क्यू कर लिए। जी सर, मेरा नाम जितेंद्र सारथी है और स्नेक रेस्क्यू टीम का मैं अध्यक्ष हूँ। और जिले में हम लोग लगातार वन्य जीवों को बचाने का काम करते हैं, सरीसृपों को जान बचाने का काम करते हैं, इसके साथ साथ मानव के जीवन को बचाने का काम करते हैं। और आज प्रातः ही सुबह जो VIP रोड है, बुधवारी बाईपास रोड है, वहाँ एक सूचना मिला कि एक काफ़ी बड़ा सा एक अजगर रोड को क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। और ऐसा सूचना मिलने के उपरांत तुरंत हम अपने टीम के साथ यहाँ पहुँचे और देखे कि वो जो अजगर था, अक्सर धूप सेकने के लिए वो निकलते हैं, तो रोड क्रॉस करके एक जगह वो बैठा ही था और उसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया। और एक सुखद पहलू ये रहा कि लोगों के बीच में एक जागरूकता है, लोगों में एक अच्छी उत्साह है कि इन जीवों को बचाना है। और क्योंकि हो सकता था इस रोड पार करते हुए सांप कुचला भी जा सकता था, लेकिन लोगों की समझदारी है और लोग बहुत अच्छे अब परिचय देते हैं इंसानियत का कि बचाने का प्रयास करते हैं, तो सुरक्षित हमने इसका रेस्क्यू किया। कौन सा सांप था, जहरीला हो सकता था? सर ये तो फिलहाल बिना जहर वाला सांप है, इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, जिसको हमारे भारतीय अजगर बोलते हैं, लेकिन इसमें जहर नहीं पाया जाता। ये अपने शिकार को अगर इसको पकड़ना हो तो ये जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये घातक हो सकते हैं बच्चों के लिए, जाने अनजाने कहीं बच्चे छेड़खानी के लिए उसके पास जाने की कोशिश किए तब उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये अपने दांतों से बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रहार करते हैं, जिसमें घाव बनने की आशंका लगातार बनी रहती है।